आजसू पार्टी के सांसद और पार्टी के कोषाध्यक्ष चंद्र प्रकाश चौधरी ने कहा कि राज्य में नगर निकाय चुनाव कराना राज्य सरकार की इच्छा शक्ति पर निर्भर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि ट्रिपल टेस्ट कराने के बाद और ओबीसी को 27% आरक्षण देने के बाद चुनाव कराया जाए, यह झारखंड के ओबीसी समाज की जीत है। इसलिए सरकार को जल्द से जल्द ट्रिपल टेस्ट के लिए कमेटी बनानी चाहिए और बरसात के पूर्व चुनाव करा लेना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करती है तो यही समझा जाएगा कि राज्य सरकार सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं चाहती है। की जीत है और वहाँ की जनता की जीत है और एनडीए के सभी हमारे नेताओं की जीत है, जो सभी लोग वहाँ पर कैंपेन भी किया, सभी लोगों ने सहयोग किया। और सबसे पहले तो हम कहेंगे कि पूरे राज्य की जनता की जीत है और आने वाले समय में जो 2024 चुनाव है और उसमें एनडीए का निश्चित तौर पर प्रचंड बहुमत से हम लोग सरकार बने। नगर निगम चुनाव का क्या स्टेटस है सुप्रीम कोर्ट कब तक? क्योंकि नगर निगम चुनाव के लिए इससे पूर्व भी हमने सुप्रीम कोर्ट गया था, सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने पंचायत चुनाव में भी चुनौती दिया था, लेकिन उस समय राज्य सरकार के द्वारा शपथ पत्र दायर किया गया कि नेक्स्ट पहले आने वाला कभी भी चुनाव होगा उसमें ओबीसी को आरक्षण दिया जाएगा ट्रिपल टेस्टिंग करा के। लेकिन दुर्भाग्य है कि राज्य सरकार फिर से नगर निकाय चुनाव में ओबीसी का आरक्षण समाप्त किया। इसको लेकर हमने सुप्रीम कोर्ट में फिर दरवाज़ा ठकठकाया और सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश हुआ है कि ट्रिपल टेस्टिंग कराकर ओबीसी को 27% आरक्षण देकर ही चुनाव करा। न्यूज विंग के लिए मनीष झा की रिपोर्ट। इस नए साल में भी हमारा साथ होगा, दिलों में वही विश्वास होगा, है हमारा वादा, अब बनाए इंडिया को मजबूत ज्यादा। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर।